तो उस जज काजी कहलाते। एक काजी साहब अदालत लगा के बैठे ने, एक साहब आते ने लाठी टेकते टेकते बुढ़ापा तारी उन्होंने, तो आके दरखास्त देते ने कि जनाब मेरा एक मुकदमा है, एक दरखास्त है, मुकदमा दायर किया जाए। काजी साहब पूछते ने कि की है, थोड़ा जहा एक्सप्लेन करो कि कादा मुकदमा कराना चाहते हो। कहने लगे जी मेरा बेटा है, मैं उसके खिलाफ है दरखास्त। काजी साहब कहने लगे कि बेटे के खिलाफ दरखास्त कोई आज तक तारीख शाहिद नहीं कि बेटे के खिलाफ कोई दरखास्त दे, तो तुम क्यों देना चाहते हो। कहने लगे जी बस मेरी तामील की जाए, क्योंकि मेरी दरखास्त है, मेरी अरजदाश्त है, मेरा एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। आखिर उन्होंने दायर की, नंबर लगाया, तामील कुनिंदा तामील कुरान ली गया, बेटे को बुलाया अदालते आलिया। अदालते उजमा अदालते आलिया उनके विच बेटे नू बुलाया गया। कहने लगे जी कि दरखास्त की सी, दरखास्त ये सी कि बेटा मैनू मंथली एक मशायरा बेटे चाहिए है, वो नहीं देता, मेरी जरूरत इन्नी नहीं गी, मगर यह है कि मैं ये चाहना, मेरे अरमान ने, मेरी आरजू है कि मेरा बेटा मैनू कुछ मुआवजा दया कर महीने। मैं चौधरी साहब की एक गल नू पिक किया सुबह, तो उन्होंने तो ये गल सुना रहे हैं। वो कहन लगे जी पहला मौका है जी कि कोई बाप जेड़ा है बेटे के खिलाफ जेड़ा है दरखास्त दे रहे हैं। खैर बेटे नू बुलाया गया, बेटा कहन लगा जी मेरे वाल साहब ने, वो भी हैरान शस्त्र होया कि मेरे वाल साहब ने मेरे खिलाफ दरखास्त देती है, जो कि मेरे वालद साहब वेल ऑफ ने, इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद इन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्त देती। वो कहने लगे जी कि हाँ बाप कहता है कि मैं वेल ऑफ हाँ, मैनू पैसे की जरूरत नहीं, मगर है कि उनके बिहाइंड एक रीज़न है, बड़ी सॉलिड एक वजह है। वो कहने लगे जी को वजह बयान की जाए। उन्होंने कहा नहीं जी पहले मेरी दरखास्त उत्ते अमल किया जाए। आखिर बड़ी बहस तो बाद काजी साहब की अदालत बड़े लोग शौक के नाल एक घरेलू गल नूं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्री जी या चंबा जी और यूनी आखिर ते जिस वेले सज़ा अनाउंस होनी सी ते बाप बोलिया, कहन लगा जी कि मैं सिर्फ एक दिरम मंथली का तकाजा करना। कहने जी एक दिरम तो बहुत मामूली। कहने लगे जी बस एक दिरम बिला वास्ता बजाते खुद ये बेटा महीने तो बाद मैनु आके एक दिरम दिया करे, क्योंकि मेरी दिल दे अरमान ने, यह मेरी दरखास्त का मकसद है, कंकलूजन है, इहदे उत्ते अमल किया जाए। उन्होंने काजी साहब ने बकायदा तौर पर बेटे नूं पुछया, बेटा कहन लगे जी ये शर्मनाक बात है कि मैं एक दिरम दिया, मगर काजी का क्योंकि काजी जज हुंदा इंसाफ की कुर्सी पर, कि तकाजा सी कि उहदे उत्ते अमल किया जाए। उन्हें कहा जी मैं बकायदा तौर के उत्ते ये दया करांगा, मैं इहदे उत्ते अमल करांगा। खैर जजमेंट जारी हो गई, डिग्री हो गई, एक दिरम पर मंथ वालद साहब नूं दया करना। मुकदमा जिस वेले सारी कार्रवाई उसकी खत्म हो गई, काजी साहब ये पूछन लगे कि ऐ मोहतरम सानू इहदी बिहाइंड जिहड़ी रीज़न है उहनूं ज़रा दस्सदा जा। कहन लगा जी मैं एक कारोबारी आदमी, मैनू
रुपए पैसे की इन्नी रेल पे ले के मैनू कोई परवाह नहीं। मेरा बेटा भी कारोबारी है मगर मेरा बेटा जेड़ा ना कई महीनों तो मैनू मिलया नहीं। मेरे दिल दे विच एक इश्तहा सी आरजू सी कि मेरा बेटा किसी तरीके ना मिले। मैंने हर किस्म का जतन ला लिया। मैं अपने रिश्तेदारों के थ्रू इनू मैसेज कर ले, इन्हें नहीं मनी। मैनू अदालते आलिया की तरफ दरखास्त देनी पई कि मैं सिर्फ मेरे दरूने दिल दे अंदर एक ही बस चीज़ है कि मेरा बेटा बिला वास्ता बजाते खुद आवे और एक दिन मैनू दवे। मैं उन्दे नाल बगलगीर होवां ना होवां मगर मैं उन्दा दीदार जरूर पावां औलाद दा। ए मेरे अरमान ने ते जिसनू सुन के ते काजी साहब भी उन्हां दे अखां च भी आंसू आ गए अशकबार अखां दे नाल। उत्थे जितने भी लोग सामईन सन मुकदमा सुन रहे वो भी रोए कि बाप और बेटे की मुहब्बत का क्या आलम है कि कारोबार दे विच मसरूफ हो जाती है औलाद मगर ये कि बाप नूं वो भुल जाते हैं ये माँ की ममता नूं वो नहीं ख्याल रखते। इत्थों ये चीज़ साबित हुई कि हमेशा याद रखो कि तमाम साडे फोरम दे भी साथी कि उन्हां दे बच्चे यूरोप दे विच कैनेडा दे विच दुनिया के किसी भी हिस्से दे विच वो अल्लाह की मेहरबानी दे नाल अपना परफॉर्म कर रहे हैं करैक्टर पे कर रहे हैं मगर यह कि बच्चों के नाल एक मुलाकात दे बहुत सारे लोग ने ना जेड़े वो प्रोफेसर साहब उन्होंने दिल के अरमान।